Ocean Bangalore. रोड पे आ चुके अभी भाई। हाँ, जो सनसेट व्यू है वहाँ पे 10 किलोमीटर से ऊपर हमें जाना है। सो ऐसा रास्ता है कुछ, गाड़ी लेके भी आप जा सकते हो, फोर व्हीलर है आपके पास तो। ठीक से खाना भी नहीं मिला, मैं ठीक से खाना नहीं खाया क्योंकि यहाँ पे फूड इतना वो है ना, कॉस्टली। जहाँ पे मतलब फूड बनता है, जो बंदा है बनाता है, यहाँ पे मैंने उसको बोला कि हमको भूख लगी है, बना लेगा खाना, तो मैंने पूछा, वो बोलता है हाँ बना दूँगा, तो वो बोलता है, मैंने कहा क्या मिलेगा, तो बोलता है दाल राइस सब्जी रोटी, तो मैंने कहा कितने का, तो पर प्लेट 150 रुपीज़ भाई। और मैंने कहा सब्जी कौन सा देगा, तो बोलता है आलू की, पागल है क्या, 150 रुपये की थाली में, और वो भी मैं सिर्फ आलू खाऊंगा, उससे अच्छा मैं कोई अच्छी सी होटल में जाऊंगा, वहाँ पे जाके मैं अच्छा खाना नहीं खाऊंगा पेट भर के। तो फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे जो है सिर्फ जो पैकेट्स और वो हमने वेफर के पैकेट्स और वो सब लिया था वो खाया हम लोग ने, और कोल्ड ड्रिंक्स पिया। और अभी फाइनली वापस से हम लोग जब रिटर्न हुए तो हम लोग ने दो माजा और पानी का बॉटल ले लिया ऊपर जाने के, क्योंकि सनसेट पॉइंट में अभी थोड़ा टाइम है, अभी जो है 3:10 जितना हुआ होगा टाइम। भाई ये तो बहुत खतरनाक रोड खींच रहा है यार, ये रास्ता भी इतना खतरनाक है ना। अच्छा वेस्ट पर नहीं लाया, वेस्ट पर लाया था तो हमें नीचे ही रखना पड़ता, लोचा हो जाता। अपनी एवेंजर और अपने दोनों कड़ाके इसके लिए अपने तो चढ़ा ही ले गए। ओ ये टर्निंग बहुत खतरनाक, ओ, ओ 10 किलोमीटर तक ऐसा ही रास्ता मिलेगा आपको, तो फिर सोच लेना आपको मतलब ऊपर चढ़ना है ऐसे, या फिर नीचे से आप गाड़ी भी कर सकते हो, गाड़ी करोगे तो उतना पैसा भी लेंगे ये लोग। पर कार एंट्री का 400 रुपया है और उसमें 6 पर्सन अलाउ होते, तो सोच रहे तुम्हारे अंदर बंदा एक्स्ट्रा हो गया तो उसका भी एक्स्ट्रा पैसा ले लेगी ये लोग। ये कुछ मज़ेदार है वो एडवेंचर, अपना एडवेंचर वॉज वर्थ लाइफ। ऊपर जाके देखना होगा सीन का हिस्सा, ऊपर जाके मज़ा आएगा ज़्यादा। हाय 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 मज़े। आई होप आप लोग को भी अच्छा लगेगा जब मैं इसे अपलोड करूँगा ये वीडियो। बस गिरू ना, वही तो लोचा है, कोई है भी नहीं कि किसी को पूछ सकते हैं, यहाँ पे कोई नहीं है हमारे दोनों के अलावा यहाँ पे। तभी ये रास्ता जाएगा किधर, सनसेट पॉइंट कहाँ पे है भाई, उसी ऊर्जा। हाँ ये रहा ये रहा ये रहा सनसेट पॉइंट आ गया अपना, भाई साहब एक नंबर। सो व्यू देख सकते हो आप लोग, और ऐसा दिखता है कुछ हम कितनी ऊंचाई ऊपर है, और एक साइड में है एमपी बॉर्डर, एक साइड में गुजरात बॉर्डर। सफल हुई राइड,
एक नंबर है। और यहाँ पे बस कोई नहीं है, और यहाँ पे एक अंकल आंटी है बस। आप पूरा व्यू देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ से कोई गिरा तो फिनिश, गेम ओवर। सब जगह पहाड़ी पहाड़ है, बस अभी सनसेट होने का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार, सीरियसली मैन, हम लोग इतना ऊपर आए, बहुत ही ऑसम है। फाइनली जो डेस्टिनेशन पे आना था, जहाँ पे मतलब हमको देखना था, वहाँ पे अभी आ चुके हम लोग। और भी ये जो जगह है, ये सनसेट पॉइंट है, पर अभी टाइम नहीं हुआ है सनसेट का, पर फिर भी मैं एक बार शूट आपको दिखाता हूँ कि बैक साइड में कैसा मतलब यहाँ से व्यू है। सो फाइनली अब ये जगह से हम विदा ले रहे हैं। ये जो है यहाँ का सनसेट पॉइंट, आप देख सकते हो व्यू, बहुत ही बढ़िया व्यू था यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग 2 घंटा बैठे, बहुत ही पीसफुल लगा यार, सीरियसली। आप भी यहाँ पे आ सकते हो कभी आना हो तो, पर जैसे मैंने देखा पहले ही कि चढ़ाई आपको करना पड़ेगा वैसा 10 किलोमीटर्स ऊपर। और यहाँ से जो है राइट साइड में है एमपी बॉर्डर, और ये साइड में अपना गुजरात का बॉर्डर। और ये एक छोटा सा यहाँ पे बसा हुआ है रतन महल, और यहाँ का है सनसेट पॉइंट। तो आओ कभी, इन्जॉय करो आप लोग भी। सो अब यहाँ से हम लोग अभी जा रहे हैं वापस नीचे की ओर, फिर हम जो है बरोड़ा की तरफ वापस से मुड़ेंगे। सो बाय। ऐसा कुछ देखने को जो अपने एडवेंचर कहते हैं ना, ऐसा एडवेंचर ही चाहिए। अब अपने को बाइक स्टार्ट करते हैं। हाय हाय, आगों के लपटों के बीच में से जा रहे भाई, धुआं बहुत खतरनाक आ रहा है। ये एक नंबर एडवेंचर था अपने लिए, बहुत ही बढ़िया वाला, और ये वाला तो मैं कभी भूलूंगा नहीं। ओ फाइनली खत्म हुआ यहाँ पे। रिटर्न जाने के लिए निकल चुके हैं, और मतलब यहाँ से रास्ता मतलब सबको पूछ पूछ के जा रहे हैं, क्योंकि मैप हम लगा नहीं सकते।
फिर देखते हैं कहाँ पर कैसे जाना है। और बहुत ट्रैफिक जाम हो गया भाई, ये ट्रैफिक क्यों जाम हुआ है, पुलिस की गाड़ी बीच में खड़ी है। यहाँ पे जाना है हमें, आई थिंक से तो यहाँ पे ही जाना है। हालोल जाने के लिए यही है ना भाई, हालोल के लिए, हालोल हालोल बाजू, हालोल जवा, हालोल 3 किलोमीटर से राइट मारना है। ओके थैंक यू। और 3 किलोमीटर के बाद हम जो है हालोल वाला हाईवे पकड़ लेगा, फिर वहाँ से तो हमारा बड़ोरा बहुत नज़दीक है, क्योंकि ये क्रॉस करते करते हमारी फट गई यार, क्योंकि हमारा जो वाइज़र है ना वो ब्लैक वाइज़र है, और उसकी वजह से मतलब हम लोग देख नहीं पा रहे थे, इसलिए हमको वाइज़र खोलना पड़ा। और वाइज़र खोलते इतने छोटे छोटे मच्छर से वो नाक में और आँख में इतना जा रहे ना कि मतलब पूछो मत तुम। कभी जैसे तैसे मतलब चला रहे और जा रहे रिटर्न बड़ोड़ा। तो मज़ा आया आज के दिन की ट्रिप में, पर एडवेंचर भी था, बोरिंग सा भी थोड़ा लगा, पर कोई नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस लेना चाहिए। मुझे तो ऐसा है ज़िंदगी में एक्सपीरियंस बहुत लेने, अभी और ये तो कुछ नहीं है, अभी अपनी आगे वाली ट्रिप्स तो बहुत अच्छी होने वाली है। तो अपने साथ जुड़े रहना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, क्या बोलती है अपनी पब्लिक है ना। तो फिर ओके, सो वह हालोल जवा, हालोल 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 जाने के लिए, हालोल हालोल बाईपास सिद्धू। ओके यहाँ से बाईपास है हालोल, सो देखते हैं हालोल कैसे जाती है।